दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये KTM RC 200 है और आज हम इसका करने वाले हैं थ्रोटल बॉडी क्लीन। और काफ़ी माइलेज की समस्या इसमें आ रही है, बाकी तो ठीक ही चल रही है। और इसका थ्रोटल बॉडी जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी गंदा हुआ पड़ा है, काफ़ी डस्ट इसमें भरी पड़ी है, तो बहुत बुरी कंडीशन इसकी हो रखी है अभी। तो आज इस थ्रोटल बॉडी को खोलने के लिए हमने इसकी पूरी बॉडी को निकाला है और बैटरी वगैरह सब हटा दिए है। तो इसके बाद इस थ्रोटल बॉडी को हम बाहर निकाल दें, फिर मैं इसका पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ कैसे इसको क्लीन किया जाएगा। तो दोस्तों, एक एक स्टेप समझाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इस थ्रोटल बॉडी को हम बाहर निकालते हैं, उसके लिए हम इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा झमेला होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है इसको बाहर निकालने के लिए। तो कुछ दिक्कतें होती हैं बाहर निकालने में। तो जैसे कि निकल चुकी है, इसमें आप देख पा रहे होंगे टोटल इसमें गंदगी भरी पड़ी है। तो अब इसको हम पहले साफ़ कर लेते हैं एयर की मदद से, एयर प्रेशर से साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा थ्रोटल स्प्रे भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। और इसके बाद सबसे पहले हम खोलेंगे इसके इंजेक्टर को, और इंजेक्टर को हमने सेफ तरीके से रखना है ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह ना घुसे। तो प्यार से आप इस इंजेक्टर को खोल लें, उसके बाद हम एक एक करके बाकी सेंसरों को खोलते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें काफ़ी कचरा भरा पड़ा है, ये वाल्व भी इसका कचड़े से भरा पड़ा है। इसी तरीके से इसको साफ करेंगे हम, और इधर है इसको भी निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम इसका TPS सेंसर खोलेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, जो ये TPS, एक इसमें लाइन लगा लीजिए आप इस TPS सेंसर में, जहाँ पे इसकी पुरानी सेटिंग है वहीं पे रख दें, तो आपको ये छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो इसको भी उतार लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सारे सेंसर इसके उतर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है रॉयल इनफील्ड का ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर। तो इस थ्रोटल बॉडी क्लीनर से इसको साफ करेंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने साफ करना है। तो जितना भी आपको ये गंद दिख रहा है, यही डिस्टर्ब करता है हमारी गाड़ी के RPM फ्लैक्चुएशन में। अप डाउन जो RPM होते हैं वो भी इसी की वजह से होते हैं। और इसको बढ़िया तरीके से साफ करते हैं। दोस्तों, ये जो थ्रोटल बॉडी होती है, ये ECM को सारे संकेत देती है कि हमारी गाड़ी को कितना पेट्रोल चाहिए, कितना एयर चाहिए। तो सारा कुछ जो आगे बताती है, ये थ्रोटल बॉडी बताती है। अगर इसमें गंद भरा रहता है तो हमारा पूरा इंजन का सेटिंग ख़राब हो जाता है, गाड़ी स्टार्टिंग में भी दिक्कत करेगी और माइलेज वगैरह सारे डिस्टर्ब हो जाता है। पिकअप में दिक्कत होती है, पिकअप कम हो जाता है, इसलिए इसको ढंग से क्लीन करना पड़ता है। और जल्दी भी नहीं, करीब करीब 20-25 हज़ार किलोमीटर आराम से चलती है गाड़ी। उसके बाद इसको एक बार क्लीन करवा लें, अगर एक पूरा क्लीन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूरा ये समझिए कि सारा कुछ इसी के ऊपर है, हमारी गाड़ी का माइलेज वगैरह, पिकअप वगैरह। तो इसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्लीन हो चुका है बहुत बेहतरीन तरीके से, पूरा इसका गंदगी साफ हो चुका है। तो इसके बाद हम इसको लगाएंगे, फिटिंग करेंगे गाड़ी पे।
तो दोस्तों गाड़ी का टोटल बॉडी का क्लीनिंग का प्रोसेस पूरा फाइनल हो चुका है। टोटल बॉडी बढ़िया तरीके से इसकी साफ़ कर चुके हैं हम और पूरी फिटिंग कर दी है। अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा, जैसे कि आप आरपीएम का मीटर देख रहे हैं, बिल्कुल एक जगह पे रुका हुआ है, वही इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है, उसके नीचे बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल बराबर ले रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसी करते हैं इसके थ्रोटल बॉडी को क्लीन, और काम कोई ज़्यादा नहीं था लेकिन बहुत कुछ था। अगर थ्रोटल बॉडी गंदी होती तो काफ़ी कुछ नुकसान होता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और साथ ही बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।